हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट मावा पेड़ा की रेसिपी। जी हाँ, ये एक स्वीट डिश है और ये झटपट बनके तैयार हो जाती है, इंस्टेंट बनके तैयार हो जाती है। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर आप घर में पेड़ा बना करके तैयार कर सकते हैं ये इंस्टेंट मावा से। तो चलिए झटपट से बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट मावा से पेड़ा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इंस्टेंट मावा पेड़ा 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब दूध लेंगे हम। ये दूध रूम टेम्परेचर पे होगा। इसमें हम केसर ऐड कर देंगे और इसे हम रख देंगे साइड में। 5 से 7 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारा दूध जो है वो केसर के साथ अच्छे से घुल मिल चुका है। केसर जो है वो दूध में अच्छे से घुल मिल चुका है, तो इसे हम पहले डिप करके रख देंगे दूध के अंदर साइड में। अब हमने लिया है लगभग 1/2 कप के करीब दूध, जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। इसे हमें गुनगुना करना है। ये देखिए हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉयल होना शुरू हो गया है, तो इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर दिया है। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, हम देखते हैं कि हमने जो 1/2 कप दूध लिया था वो अच्छे से उबलना शुरू हो गया है। तो उसमें मैंने लगभग एक कप के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, नहीं तो इसके गुठली बन सकती है, इसके अंदर लम्स हो सकते हैं, इसलिए हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और हमारा फ्लेम यहाँ पे मीडियम रहेगा, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे चलाना है। 2 से 3 मिनट के अंदर देखेंगे हमने जो मिल्क पाउडर ऐड किया है मिल्क में, उससे ये मावा बनना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए हमारा दूध जो है वो अच्छे से गाढ़ा होने लगा है और हमारा मावा बनना जो है वो शुरू हो चुका है। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। जब हमारा दूध अच्छा गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो उसमें हम लगभग 1 चम्मच के करीब देसी घी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें कंटिन्यू से चलाते रहना है, नहीं तो ये अंदर से चिपक सकता है। तो कुछ इस तरीके से इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, चला के इसे अच्छे से इसे गाढ़ा बना लेना है। ये देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो मावा जो है वो काफ़ी हद तक बन चुका है। तो इस स्टेज पे हमने जो केसर वाला दूध बनाया था वो इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे भी मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए हमारा जो दूध है वो धीरे धीरे थिक होना शुरू हो चुका है और केसर वाला दूध मिक्स करने के बाद ये हल्का सा पतला हुआ था, लेकिन 1 से 1.5 मिनट के बाद ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए इस स्टेज पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, नहीं तो ये अंदर से जलना शुरू हो जाएगा। तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, तब तक चलाते रहना है जब तक ये हल्का सा ठंडा ना हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, क्योंकि यहाँ पे तो इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए ठंडा कर लेना है। अगर इसे हम छोड़ देंगे तो ये नीचे से चिपकना शुरू हो जाएगा और जलना शुरू हो जाएगा। तो इसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना, साइड से भी इसे अच्छे से निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। और ये देखिए हमें ये देखिए 6 से 7 मिनट के अंदर हमारा जो इंस्टेंट मावा है वो बनके तैयार हो चुका है। अब इस इंस्टेंट मावा को हमें करना है अच्छे से ठंडा, बिल्कुल इसे हमें अच्छे से ठंडा करना है, रूम टेम्परेचर पे लाना है। जब हमारा मावा जो है वो अच्छे से ठंडा हो जाए, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तो फिर हम इसका पेड़े बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमारा मावा जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले हम अपने हाथ को घी से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो मावा है वो हमारे हाथ में चिपके नहीं, इसलिए हम इसमें अपने हाथों में घी को ग्रीस कर लेंगे। अपने हाथ को हमें अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है और उसके बाद इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेने हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। अगर आप हाथ में
घी नहीं ग्रीस करेंगे तो वो चिपकना शुरू हो जाएगा, इसलिए हाथों में हमें हल्का सा घी ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हमें सबसे पहले इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेंगे हम। ये देखिए सारे मावा का सबसे पहले हम बॉल्स रेडी कर लेंगे, उसके बाद उसे हम पेड़े में ट्रांसफर करेंगे, पेड़ा बनाएंगे उसका। तो इस तरीके से हम सारे बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे बॉल्स जो हैं वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसका बनाएंगे पेड़ा। इस तरीके से एक बॉल को लेकर के इसके बीच में अपने फिंगर से हम प्रेस करेंगे और कुछ इस तरीके से हम पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए आप चाहें तो अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पून का यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से बिल्कुल मार्केट स्टाइल पेड़ा बना के हम तैयार कर सकते हैं। मार्केट के जो पेड़े होते हैं वो बिल्कुल इस तरीके के ही दिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें अपने फिंगर से प्रेस करके बीच में होल बना देंगे और बिल्कुल पेड़े का शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसके बीच में कोई भी ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता ऐड किया है, आप चाहें तो काजू, किशमिश या फिर बादाम भी इसके बीच में कट करके ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, पर ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो ऐड करें वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता का यूज़ किया है, आप चाहें तो और कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। इससे ये बिल्कुल बाजार जैसे दिखते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये देखिए हमारे जो पेड़े हैं वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे पेड़े जो हैं वो बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल पेड़े हैं ये। तो